और चूंकि राज्यसभा चुनाव की बात हो रही है तो एक और खबर लखनऊ से है, ये भाजपा से जुड़ी है। भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा आज दो और उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। पार्टी के सारे उम्मीदवार एक साथ कल नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे कल जब ये नामांकन दाखिल होंगे। बड़ी खबर, पार्टी के सारे उम्मीदवार, सारे आठों उम्मीदवार कल एक साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। छह उम्मीदवार भाजपा ने घोषित कर दिए हैं, दो आज और घोषित हो जाएंगे। तो नामों का ऐलान कर दिया गया है, भाजपा के छह नामों का। इस लिस्ट में पहला नाम सीएम योगी के लिए गोरखपुर शहर की सीट छोड़ने वाले राधामोहन दास अग्रवाल का है। दूसरा नाम भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है। तीसरा नाम मौजूदा राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर का है। चौथा नाम बाबूराम निषाद और पांचवा नाम दर्शना सिंह और छठा नाम संगीता यादव का है। तस्वीरें भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं इन उम्मीदवारों की। ये वो छह उम्मीदवार हैं जिनके नाम भाजपा ने घोषित किए हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, और दो और उम्मीदवारों के नाम आज और घोषित करने की बात है। कुल आठ उम्मीदवार भाजपा मैदान में उतारेगी और 11 कुल सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वेकेंट राज्यसभा की जिनके लिए चुनाव होने। तो भाजपा ने राज्यसभा के लिए जिन छह उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं उसमें वर्तमान में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम निषाद का भी नाम है। बाबूराम निषाद का साफ तौर पर कहना है कि लगातार वो लंबे समय से पार्टी में अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं और शायद ऐसे में उनके काम के आधार पर ही अब पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज रही है। खास बातचीत देखिए। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए छह उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। उनमें बाबूराम निषाद भी हैं, हमीरपुर से आते हैं, वर्तमान में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। बाबूराम जी, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी सौंपने जा रही है आपको। निरंतरता कायम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम किया है और पार्टी ने मुझे जिले से लेकर प्रदेश तक विभिन्न पदों पर बैठाला है और निश्चित रूप से पार्टी ने जो ये मुझे अवसर दिया है, मैं कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मेरा संज्ञान लिया है, उपयुक्त महसूस हुआ हूँगा इस नाते ऐसी जिम्मेदारी दी है और निश्चित रूप से नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उसका बहुत निष्ठा के साथ पालन करूंगा, आगे बढ़ूंगा। बुंदेलखंड के हमीरपुर से आप आते हैं, पिछड़ा हुआ माना जाता है बुंदेलखंड, अभी भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होनी बाकी है। अब राज्यसभा में आप जाएंगे तो कम से कम बुंदेलखंड की, हमीरपुर की आवाज़ उठेगी। बुंदेलखंड अब पिछड़ा नहीं रह गया है, जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, पूरे बुंदेलखंड का विकास उत्तर प्रदेश का हिस्सा होने के नाते समग्र विकास वहाँ का हो रहा है। सिंचाई के साधन बढ़े हैं, पेयजल की समस्या का निदान निरंतर हो रहा है। योगी जी का एक बहुत बड़ा बजट बुंदेलखंड के विकास के लिए जारी हुआ है, पहले भी, पिछले कार्यकाल में, इस कार्यकाल में भी। इस नाते अब ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रह गई है, जो छोटी मोटी समस्याएं उनका भी निस्तारण सरकार करेगी। आप पहले टिकट मांग रहे थे विधानसभा का, आपको टिकट नहीं मिला। उम्मीद थी कि जो विधानसभा का टिकट नहीं मिल रहा है लेकिन पार्टी राज्यसभा भेजेगी, ऐसी उम्मीद थी? टिकट मिलना ना मिलना, मंत्री बनना ना बनना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो हमारा ध्येय और हमारा उद्देश्य था जनसेवा, जनसेवा के नाते हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर